बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक देसी किचन विद नायला। आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी, चिकन एंड वेजिटेबल स्पैगेटी। बड़ी ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में ऑलमोस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए मेरे पास है एक पैकेट स्पैगेटी, इसको मैंने उबाल लिया। प्रोसेस आई होप सब लोगों को पता होता है। इसको मैंने पानी में उबालने के बाद ठंडे पानी से छान कर इसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल के ये रखा है। ये देखें ये कितनी खिली खिली है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा, ये मेरे पास है तकरीबन 150 ग्राम के करीब चिकन क्यूब्स में कटा हुआ है। और वेजिटेबल्स में मेरे पास मौजूद है शिमला मिर्च, गाजरें, ये दोनों हैं 1/2 कप, और एक है कैबेज तकरीबन 1 कप के जितनी, और ये छोटा सा प्याज था उसका एक टुकड़ा मैंने इसमें डाला है। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो, मुझे इसमें ये बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने ये इसमें डाला। साथ ही इसमें मेरे पास ये ग्रीन अनियन, उसका वाइट और जो ग्रीन पार्ट है वो, तो इसके अलावा इसमें डलेगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है ये चिली सॉस, और ये है मेरे पास चिली गार्लिक सॉस जो है तकरीबन 3 टेबलस्पून के जितना होगा। और इसके अलावा इसमें स्पाइसेस में जाएगा ये मेरे पास है रेड चिली मिर्च जो है, इसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी है। 1/2 टीस्पून मेरे पास है काली मिर्च, नमक है हसबे जायका, और ये थोड़ा सा है ओरिगानो, ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा मेरे पास है ये क्रश किया हुआ चॉप, फाइनली चॉप कह सकते हैं जैसे भी, मतलब ये गार्लिक, तो आपकी चॉइस है, आप इसमें पेस्ट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब फटाफट अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये कढ़ाई हमने रख ली सबसे पहले चूल्हे पे। तो मैं आप लोगों को ऑयल बताना भूल गई थी, तो इसमें हम डालेंगे ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के जितना, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो इसमें डालेंगे हम ये गार्लिक, इससे पहले कि ये जो गार्लिक है ब्राउन हो जाए। इसके ब्राउन होने से पहले ही हम इसमें डाल देंगे ये अपना चिकन। ऐसा इसलिए कि जो चिकन है ये ऐसे ही लहसुन के साथ जब पकेगा तो ये इसकी जो स्मेल होती है चिकन की मखसूस और लहसुन की, वो जो है वो खुशबू में चेंज हो जाएगी। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये अपना रंग चेंज ना कर ले और ये अपना पानी भी छोड़ देगा। जी व्यूअर्स, तो ये देखें चिकन हमारा जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, इसने अपना पानी भी बहुत सारा छोड़ दिया हुआ है। ये इसी पानी में अच्छे से नरम होके सॉफ्ट टेंडर सा हो जाएगा, मुझे इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से गल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से साथ ही ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे ये चिली सॉस, ये तकरीबन मेरे पास था 2 टेबलस्पून। साथ ही इसमें जाएगा ये सोया सॉस, ये भी तो मेरे पास 2 टेबलस्पून, और साथ ही हम इसमें ये डाल देंगे अपना चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें तो इसमें टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा स्पाइसी किस्म की स्पैगेटी पसंद की जाती है तो इसलिए मैंने चिली गार्लिक सॉस जो है ना वो डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। ये सॉसेस में भी इतना मॉइस्चर होता है कि इसमें चिकन जो है इजीली जो है वो टेंडर हो जाता है,
तो इसमें पानी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इसी में माशाल्लाह से हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, देखिएगा। मैं यहाँ पे अपने स्पाइसी साथ ही इसमें डाल दूँगी। ये मेरे पास है काली मिर्चें, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून के जितनी, साथ ही मैं इसमें डालूँगी ये दड़ा मिर्च, ये भी तकरीबन एक टेबल स्पून जितनी है, और साथ ये मेरे पास है नमक हसबे ज़ायका। और इसके साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे अपने वेजिटेबल्स को, ताकि वो इसमें अच्छे से पक जाएं। वैसे तो चाइनीज़ जो खाने होते हैं उसमें खड़ी खड़ी वेजिटेबल्स जो होती हैं क्रंच के साथ बहुत मज़े की लगती हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सॉफ्ट कर लेते हैं, पर हमारे यहाँ ज़रा इसको क्रंची क्रंची पसंद किया जाता है। तो मैं वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाती नहीं हूँ इसमें। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाल दी इकट्ठी, और इनको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे साथ ही। क्योंकि ये झटपट से बनने वाली स्पेक्टी है, तो इसलिए मैंने ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये इकट्ठी डाल दी। इसको बस हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे स्पेक्टी। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये हमारी रिक्वायर्ड जो हमें थी उस तरह से हमारी वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी ओरिगानो। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपका दिल आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मत डालिए, पर इससे ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपनी ये स्पेक्टी। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी बिल्कुल एकदम से रेडी है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्लेम हम यहाँ पे कर देंगे पहले ऑफ, तो मैं अब डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी चिकन एंड वेजिटेबल की स्पेक्टी बिल्कुल रेडी है। आप इसको झटपट बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को हरा भरा रखे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।